अस्सलाम वालेकुम, डॉली की किचन में वेलकम। तो मैं आज आपके लिए लेके आई बहुत ही शानदार सी रेसिपी, चिकन देगी कोरमा। तो बहुत जल्दी बनता है ये, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 4 किलो चिकन ले लिया है, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। अब मैं यहाँ एक पतीला ले लेती हूँ, तो इसमें डालूँगी मैं 3 बड़े चम्मच घी डालूँगी। तो आप जब भी कोरमा बनाएं घी ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें घी का। और 3 ही चम्मच मैं इसमें डालूंगी रिफाइंड ऑयल। इसे अच्छे से गरम कर लेंगे हम। और हम जब 1 किलो का कोरमा बनाते हैं तो उसमें हम 250 ग्राम प्याज डालते हैं, तो उसी हिसाब से हमने प्याज ले ली है, उसे हमने बारीक काट ली है प्याज को। और प्याज का हमें गोल्डन ब्राउन कलर लेके आना है। जब हमारी प्याज का कलर अच्छा आएगा तभी हमारा कोरमा देखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छा होगा। तो आप जब भी कोरमा बनाएं तो प्याज का ध्यान रखें, प्याज का कलर अच्छा सा आए। तो यहाँ मैंने कुछ कड़े गरम मसाले ले लिए हैं, इन्हें हमें कूट लेना है, मिक्सी में नहीं पीसना है हमें, बस हमें इन्हें कूटना है। तो ये देखिए, इन सब गरम मसाले को मैं कूट लूँगी। और यहाँ मैंने 15 से 20 काजू ले लिए हैं, इसका अब हमें पेस्ट बनाना है। तो प्याज का कलर आ चुका है अच्छा हमारा, निकाल देते हैं प्याज को। तो बस मैं इसे फैला दूँगी ठंडी होने के लिए। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच, और इसे थोड़ा भून लेंगे हम ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो अब इसमें हम डाल देंगे चिकन। चिकन को हमें जब तक भूनना है ताकि इसका कलर ना चेंज हो जाए, जब तक भूनेंगे कलर इसका अच्छा सा चेंज हो जाए। तो आप भी ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छा बनता है ये। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। मैंने यहाँ लिए 6 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, और 3 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। और इसे भून लेंगे, पानी इसमें ऐड नहीं करना हमें। अब इसमें डाल देंगे हम हरी इलायची, डाल देंगे 5 से 6। और इसमें मैं डाल दूँगी 1.25 किलो मैंने दही लिया है, दही को मैंने फेंट लिया है अच्छे से। इसे चला देना है, जितना हमारा कोरमा भुनेगा उतना ही अच्छा बनेगा। तो बस इसे सारे मसाले आप ऐसे डालते जाएं, उसे भूनते जाएं, क्योंकि दही पानी छोड़ देगा, तो इसलिए हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें। और 2 मैंने तेज़पात के पत्ते डाल दिए हैं इसके अंदर। और ये हमने जो काजू का पेस्ट बनाया रखा है वो भी डाल देंगे। और ये गरम मसाला हमने देखिए कूट के रखा है, वो इसमें डाल देंगे। और 3 चम्मच लिया है मैंने नारियल का बुरादा है ये। बस सभी को मिला देंगे अच्छी तरह से। अब मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच केवड़ा वाटर, इसे ढक देंगे। देखिए हमारा ये प्याज जो हमने पीस के रखी है इसमें ऐड कर देंगे। और बस इसकी अच्छे से हमें भुनाई करनी है। तो ये कितना शानदार हमारा देगी चिकन कोरमा बना है, एकदम दानेदार।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा चिकन कोरमा बहुत पसंद आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और मैं इसे 5 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी थोड़ी धीमी आंच करके। तो बस बन गया हमारे, चलिए मैं इसे निकाल के दिखाऊंगी आपको। तो देखिए कितना शानदार बनाया है हमारा कोरमा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे दुआ में याद रखें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तो अल्लाह हाफिज़।